महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने को लेकर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने पुणे के जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। अस्पताल में भर्ती अपने परिजनों के लिए 3 दिन से इंजेक्शन ढूंढ रही एक महिला ने बताया, अस्पताल ने कहा कि इंजेक्शन हमें ही लाना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड 19 पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने की वजह से इस बार रमजान के दौरान जामा मस्जिद के बाजारों में कम भीड़ दिखी। एक दुकानदार ने बताया, कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से ना उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार राहत पैकेज ला सकती है। ज्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसकी अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र के एक बेटे का दर्द सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बेटे ने कहा, अस्पताल में बिस्तर नहीं दे सकते तो इंजेक्शन देकर पिता को मार डालो। अस्पताल का बिल ना भर पाने पर कोरोना से मृत शख्स का शव लौटाने से किया इनकार, कार को रख लिया गिरवी। गुजरात, कोरोना के बीच महाराष्ट्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, सीएम ठाकरे ले सकते हैं फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाने समेत कई पाबंदियों की गुरुवार को घोषणा की। सीएम केजरीवाल के अनुसार वीकेंड लॉकडाउन के दौरान मॉल, जिम, स्पा और सभागार बंद रहेंगे।